हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं नाम है शाइनी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं हर हफ्ते आपके लिए करियर और एजुकेशन से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स लेके आती हूँ। और आजकल बेसिकली मैं आपके लिए वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम और इसके अलावा फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स लेके आ रही हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अमेजोन वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो अगर आप भी अमेजोन इंडिया के साथ वर्क करना चाहते हैं और घर बैठे अच्छी इनकम करना चाहते हैं, तो मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ अमेजोन डेवलपमेंट सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रेशर्स के लिए ही निकाली है अमेजोन ने। ये वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज और आपको अपने घर से ही बैठ के काम करना होगा। इससे पहले मैंने अभी तक आपके लिए जितने भी अपडेट्स दिए हैं वो मैंने वर्चुअल कस्टमर सर्विस जॉब पोजीशंस के लिए दिए हैं, लेकिन आज मैं आपसे जिस पोजीशन के ऊपर बात करने वाली हूँ, ये सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट और सेलर सपोर्ट एसोसिएट की जॉब पोजीशन है। ठीक है, आप यहाँ पे भी नाम देख सकते हो, सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट, जिसको हम सेलर सपोर्ट एसोसिएट भी कहते हैं। हम वर्चुअल कस्टमर सर्विस जॉब पोजीशन की जब भी हम दोस्तों बात करते हैं, तो इसमें हम बेसिकली उन सारे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं ओवर चैट, एसएमएस या वॉइस। बेसिकली जो अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं, बट इस जॉब पोजीशन में आप सीधे कम्युनिकेट करोगे उन सारे सेलर्स के साथ जो कि अमेजोन की वेबसाइट पर अपने सारे प्रोडक्ट्स को अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे चाहे वो होलसेलर हो या फिर रिटेलर हो, ठीक है, आप यहाँ पे सीधे जो भी सेलर्स है अमेजोन से कनेक्टेड उनके साथ आप यहाँ पे कम्युनिकेशन करोगे। ठीक है, तो जॉब लोकेशन यहाँ पे रहेगी आपकी वर्क फ्रॉम होम ओनली। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद से ये कंपनी आपको आफ्टर द लॉकडाउन इस लोकेशन में, जिन जिन लोकेशन में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज निकली हैं, हो सकता है आफ्टर द लॉकडाउन आपको इन लोकेशंस में ऑफिशियली ज्वाइनिंग कराए, बट इस वक्त अभी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब आप इस कंपनी में अप्लाई करोगे, ठीक है, उसके बाद आप जरूर से इनके एचआर से एक बार पूछ लीजिएगा कि आफ्टर द लॉकडाउन क्या आपको ज्वाइनिंग करनी होगी ऑफिशियली या नहीं, या सिर्फ ये एक वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी ही है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं कि जो भी इन्होंने क्वालिफिकेशन निकाली है, इसके अलावा वर्किंग आवर्स और टेक्निकल इक्विपमेंट्स की क्या आपको जरूरत पड़ेगी और कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सैलरी पैकेज क्या रहेगा, हर शहर का इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सैलरी पैकेज यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। ठीक, तो बेसिक क्वालिफिकेशन की यहाँ मैं आपसे बात करूं, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया है, अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमटेक, किसी भी आपने डिग्री को कंप्लीट किया है इस वक्त, तो आप इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जॉब पोजीशंस 12th पास के लिए नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो और किसी भी स्ट्रीम से किया है, तो आप इस जॉब पोजीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपकी गुड रिटन या वर्बल इंग्लिश कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आप सेलर्स के साथ कॉन्टैक्ट करोगे। वॉट इफ द सेलर्स टॉक टू यू और कम्युनिकेट विथ यू इन इंग्लिश, तो फिर आपको इंग्लिश की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको इंग्लिश में वार्तालाप करनी है, कैसे आपको इंग्लिश में बात करनी है। ठीक है, वर्किंग आवर्स की यहाँ मैं आपसे बात करूं, तो टोटल 5 days वर्किंग होगी यहाँ पे, मतलब एक हफ्ते में आपको 5 दिन वर्किंग करनी होगी, 5 दिन आपको काम करना होगा, जिसमें से आपको 2 कॉन्सिक्यूटिव डे ऑफ्स मिलेंगे, विच मीन्स ये रोटेशनल 2 कॉन्सिक्यूटिव डे ऑफ्स आपको कंपनी के द्वारा देंगे, बट आपको सिर्फ 5 दिन इस कंपनी में काम करना होगा, पूरे 7 दिन नहीं, बट सिर्फ आपको 5 दिन काम करना होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ट्रेनिंग एंड ट्रांजिशन नो अनप्लान्ड लीव्स will be provided or will not be allowed. So, जो स्टार्टिंग के 4 महीने होंगे उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेनिंग ट्रांजिशन आपको प्रोवाइड कराएंगे कंपनी के द्वारा, और उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको कोई भी लीव कंपनी के द्वारा नहीं दी जाएगी। तो ये आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा, मेंटली एंड फिजिकली बोथ, दैट यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी अनप्लान्ड लीव ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। कौन से टेक्निकल इक्विपमेंट्स की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये एक वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है, और इनफैक्ट जो आपका इंटरव्यू होगा कंपनी के द्वारा वो भी वर्चुअल ही करवाया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे आपको लैपटॉप या फिर आपका पर्सनल कंप्यूटर और उसके साथ में गुड इंटरनेट कनेक्शन आपका होना अनिवार्य है। इसके अलावा कौन कौन सी टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं, आपको इंटरनेट ब्राउजर की जानकारी होनी चाहिए,
इसके अलावा विंडोज ओएस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और एमएस ऑफिस, ये बेसिकली वो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके द्वारा हम बेसिकली कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं ऑफिशियली, तो उसमें हम एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपको इंटरनेट ब्राउजर, देन विंडोज ओएस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और एमएस वर्ड की भी टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑपरेट करना आना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। यू शुड ऑल्सो हैव एक्सेस टू मोबाइल फोन एट ऑल द टाइम्स, मतलब यहाँ पे आपके पास खुद का अपना पर्सनल मोबाइल फोन भी होना जरूरी है और मोबाइल फोन के जरिए भी आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करना पड़ सकता है एम्प्लॉयज के, यहाँ के एम्प्लॉयज के साथ भी, मतलब जो आपके कलीग्स होंगे, और इसके अलावा जो भी सेलर्स होंगे अमेजोन के, उनके साथ भी वीआर एसएमएस, ईमेल, चैट, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस नीड, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस रिक्वायरमेंट, आपको कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। इस जॉब पोजिशन के लिए वही लोग इस वक्त अप्लाई करें ऑनलाइन जो कि इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल टू डू इमीडिएट ज्वाइनिंग राइट नाउ, तो आप इस जॉब पोजिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो तीन, बेसिकली भारत में तीन लोकेशन से जहां पे अपॉर्चुनिटीज निकली हैं, अब मैं आपको वो लोकेशंस बताऊंगी और इन्होंने क्या सैलरी पैकेज निकाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट हम यहाँ पे करते हैं नॉर्दर्न रीजन से, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं दिल्ली एनसीआर से, दिल्ली एनसीआर से, तो रुपीज 2.75 से लेके 3.75 पर एनम, विच मीन्स रुपीज 2.75 टिल 3.75 पर एनम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। टोटल 50 वैकेंसीज हैं ये, ठीक है, हर लोकेशन की, तीन लोकेशन है वहां पे इन्होंने टोटल 50 पर सिटी ओपनिंग्स, वैकेंसीज निकाली है, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर में 50 ओपनिंग्स है और सैलरी रहेगी आपकी पर एनम 2.75 से 3.75 पर एनम, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉम्बे की, मुंबई, महाराष्ट्र की, यहाँ पे भी आपकी 50 नंबर ऑफ ओपनिंग्स है, सैलरी आपकी रहेगी 2.9 से लेके 4.0 पर एनम, और ये भी डिपेंड करता है अपॉन योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपने अपने इंटरव्यू में कैसे परफॉर्मेंस दी है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन रही है और आपने इंटरव्यू में किस तरीके से परफॉर्म किया है, ये सब बातें भी बहुत ज्यादा मैटर करेंगे ड्यूरिंग योर सिलेक्शन एंड ऑल्सो जब आप सैलरी को लेके नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। सो 2.9 से लेके 4.0 पर एनम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर मुंबई, फॉर महाराष्ट्र। अब हम बात करते हैं सदर्न रीजन की, दैट इज योर चेन्नई। सो चेन्नई के लिए आपकी यहाँ पे फिर से इन्होंने 50 नंबर ऑफ ओपनिंग्स निकाली है और यहाँ पे आपका सैलरी पैकेज रहेगा फॉर द चेन्नई जॉब सीकर्स रुपीज 2.75 से 3.75 पर एनम, ठीक है। सो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं चेन्नई में भी 50 ओपनिंग्स है और सैलरी एक्सपेक्टेड है रुपीज 2.75 से 3.75 पर एनम, ओके। सो दिल्ली एनसीआर एंड मुंबई एंड चेन्नई में टोटल 50-50 नंबर ऑफ ओपनिंग्स निकली है और पूरी सैलरी पैकेज भी मैंने आपको इनका बता दिया है। कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये भी ध्यान से सुन लीजिए, बिकॉज आप में से काफी लोग मुझे बेसिकली ये बात पूछते हैं कि शाइनी व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ऑल्सो, सो प्लीज ऑल्सो डू लेट अस नो। सो सबसे पहले आपकी डिग्री सर्टिफिकेट, आपकी प्रोविजनल, आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड पैन कार्ड की कॉपी, ये चार डॉक्यूमेंट्स आपके होने अनिवार्य है, मैंडेटरी है। सो द फर्स्ट वन इज योर डिग्री सर्टिफिकेट, देन योर प्रोविजनल, then your consolidated mark sheets and your PAN card copy. These are the necessary documents which are required. इंटरव्यू पैटर्न आपका रहेगा वर्चुअल ओवर वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि लैपटॉप, पीसी विद गुड इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, अब मैं ये आपको बता दूं और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये जिन लोकेशन के लिए निकली है दैट इज दिल्ली एनसीआर, मुंबई एंड चेन्नई, तो आपको करना ये है कि मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों शहरों के डिफरेंट लिंक्स दिए हैं, ठीक है, तीनों शहरों के डिफरेंट लिंक्स मेंशन है, उन लिंक्स को ओपन करिए, तो वहां पे आप एक बार पूरी उस जॉब को पढ़ लीजिएगा, पूरा जो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उस पूरी जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको उस जॉब में परफॉर्म करना है, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होंगी, वो सब जॉब डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड है, ठीक है, उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और हर सिटी के रिक्रूटमेंट लिंक के नीचे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल है, आपको उस पूरे फॉर्म को पढ़ना है और बहुत ही ध्यान से समझ के आपको पढ़ने के बाद सारी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है और ऑनलाइन उस फॉर्म को आपको भेज देना है, ठीक है। सो सबसे पहले यू हैव टू विजिट द रिक्रूटमेंट लिंक ऑफ योर पर्टिकुलर लोकेशन फॉर योर पर्टिकुलर सिटी एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ओपन that free of cost registration form provided officially by Amazon Development Center. You have to fill it,
If you think that you have made certain mistakes, then please kindly check your form before sending it. अपने फॉर्म को भेजने से पहले उसको दो तीन बार चेक कर लीजिए, बिकॉज आप इससे काफी लोग उसमें गलती कर देते हैं, फिर मुझे लिखते हैं कि शाइनी हमने गलती कर दी, अब क्या हम फिर से एक दूसरा नया फॉर्म भर के भेज सकते हैं. तो इट्स बेटर टू अवॉइड सर्टन मिस्टेक्स एंड आप उसको पूरा ठीक से पढ़ के समझने के बाद ही फिर उसे सेंड करिएगा, ठीक है. सो गाइज आई रियली टू होप कि आज जो मैंने आपके लिए वैकेंसीज अपडेट की है, जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ फॉर्म. इफ यू गाइज आर फेसिंग एनी ऑफ द सिचुएशंस, एनी ऑफ द डिफिकल्टीज फॉर्म को भरते वक्त, जॉब को समझने में भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, फील फ्री कि आप मेरे वीडियो के नीचे कॉमेंट करिए, मैं आपके सारे सवालों के भी जवाब दूंगी, ठीक है. तो चलिए अपने इस वीडियो को मैं जल्दी से रैप अप करती हूँ. आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही आपके लिए काफी सारी वैकेंसीज रिलेटेड अपडेट्स लेके आऊंगी और मैं आपके लिए काफी सारी एजुकेशन से भी रिलेटेड जानकारियां लेके आती रहूंगी, ठीक. सो इट्स COVID-19 एंड वी हैव टू फाइट इट टुगेदर, वी हैव टू स्टे सेफ एट आवर होम्स. बाय, टेक केयर, स्टे सेफ.